सात वर्ष बाद भी नहीं पूरा हुआ स्टेट हाईवे का निर्माण। राजनगर सरायकेला मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे, राहगीर बेहाल। दुबराजपुर नामीबेड़ा सारंगपोसी मझला दौना में सड़क अधूरा, ठेकेदार ने उक्त जगहों पर चलने लायक भी नहीं की सड़क की मरम्मत। झारखंड को उड़ीसा से जोड़ने वाली राज्य राजमार्ग सरायकेला राजनगर चक्रधरपुर पथ का निर्माण सात वर्ष बाद भी अधूरा है। राजनगर से जिला मुख्यालय तक राजनगर सरायकेला मार्ग की स्थिति खस्ता हाल है। इस पर आवागमन बहुत मुश्किल से हो चली है। खासकर चार पहिया वाहन, बड़े भारी वाहन और मोटरसाइकिल से आवागमन बेहद जोखिम भरा है। आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जहां बरसात का पानी भरे रहने से तालाब जैसा नजारा दिखता है। इससे वाहन चलाने वालों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं सड़क दलदल में तब्दील हो गई है, जहां बड़े वाहन फंस जा रहे हैं। इस रास्ते से राजनगर से कई मरीज एम्बुलेंस से सरायकेला भेजे जाते हैं। एम्बुलेंस को पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से लेकर हजारों लोगों का इसी मार्ग से मुख्यालय आना जाना होता है, परंतु प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। संवेदक को भी कोई परवाह नहीं। सात साल बाद भी कई किलोमीटर सड़क का निर्माण होना बाकी है। आइए जानें इस संबंध में क्या कहते हैं लोग। मुख्यालय जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है। जहाँ जा रहा है उसमें गड्ढा बहुत ज्यादा है और आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पर स्कूल बस वगैरह या फिर पेशेंट को ले जाने में या फिर कुछ भी ले करके बच्ची लोग बच्चे को लेकर के हुआ या फिर महिला लोग जो भी जाते हैं जैसे स्कूटी वगैरह में जाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है। फिसलने उछलने का डर रहा जा रहा है। टाइम पे कोई पहुंच नहीं पा रहा। ये यही है कि उस गड्ढा सब में जैसे कुछ भी डस्ट वगैरह दे के या कुछ भी जो है दे करके उसको पूरा किया जाए ताकि जाने जाने दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये राजनगर सरायकेला रोड जर्जर अवस्था में, सरायकेला रोड में आने जाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ के पेशेंट वगैरह जो भी है राजनगर सीएससी में एडमिट होते हैं, सबका रेफर सरायकेला होता है, जो कि जाने के लिए रास्ता में पूरा रास्ता डिस्टर्ब है। वहाँ पर गाड़ी आए दिन फंसता है और बहुत सा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ के आम पब्लिक के लिए। और कुछ नहीं तो उस रोड का कम से कम मैंने ऊपर में कुछ जो लिया है इस टेंडर, उसको कम से कम उसके ऊपर में कुछ स्लैग या इस तरह का कुछ ये करना चाहिए था। अरबों की लागत से बन रही सरायकेला राजनगर चक्रधरपुर राज्य राजमार्ग उड़ीसा को जोड़ती है ये सड़क। राज्य राजमार्ग सरायकेला राजनगर चक्रधरपुर उड़ीसा बॉर्डर तक करीब 22.02 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। राज्य राजमार्ग में परिणित कर इस सड़क का निर्माण साल 2016 से चल रहा है, लेकिन अभी तक निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। मार्ग में कई जगह सड़क को अधूरा छोड़ा गया है, जहां कच्चा सड़क होने के चलते बड़े बड़े तालाब के आकार के गड्ढे बन गए हैं, जिससे गुजरना राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। राजनगर सरायकेला के बीच नामीबेड़ा और सारंगपोसी में सड़क अधूरा पड़ा है, जहां बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। वहीं सारंगपोसी, सारंगपोसी पुल और मझला दौना में सड़क की स्थिति बेहद खस्ता हाल है। बीते दिनों सड़क पर मझला दौना के पास एक भारी ट्रक सड़क के बीचों बीच फंस गई थी, जिसे 24 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका था। भूमि अधिग्रहण को बताया गया विलंब का कारण। राज्य राजमार्ग सरायकेला राजनगर चक्रधरपुर पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण निर्माण कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। यह सड़क झारखंड की राजधानी को उड़ीसा की राजधानी से जोड़ने में एक कॉरिडोर के रूप में काम आएगा, परंतु सड़क निर्माण की गति बेहद धीमी होने के कारण अभी तक पूर्ण रूप से निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। सड़क चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण को भी निर्माण में विलम्ब की वजह मानी जा रही है। हालांकि राजनगर सीओ धनंजय कुमार ने बताया कि राजनगर प्रखंड में सड़क निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण की सारी अड़चने दूर हो चुकी है। अधिकांश जगह में भूमि अधिग्रहण कार्य पूर्ण हो चुका है, इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा कार्य में विलंब किया जा रहा है।
इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के लिए राजनगर से पीताम्बर सोई की रिपोर्ट।